चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से है, और जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की जो भी भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं ये क्या होते हैं, आमने सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ए वाला कोण बराबर होगा इसके और ए वाला बराबर होगा इसके। चलिए अब जो कह रहे हैं हम लोग उसमें देखते हैं। ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित, चलिए हम उसको नाम दे देते हैं ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को, ये जो BE भुजा है, देखिए ये जो BE भुजा है ए CD को F पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ए जो BE है ये आपको कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। हमें दिखाना है त्रिभुज ABE समरूप है किसके, त्रिभुज CFB के। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित ई एक बिंदु है, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। इतना हमें दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। चलिए अब हम लोग इसमें ध्यान देते हैं। इसमें देखिए ए हमारी जो AB है वो समांतर किसके हैं, समांतर है CD के। अब यहाँ का ये जो एंगल होगा, देखिए ए हमारा जो एंगल होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके अब आप लोग त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABE में तथा BFC में, त्रिभुज BFC में क्या होगा, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल F के। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एक एकांतर कोण है, तो एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल F के। और देखिए ये जो एंगल A है ये बराबर किसके हैं,
एंगल सी के, तो लिखिए एंगल ए बराबर है एंगल सी के, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ए वाला हमारा बराबर हो जा रहा है इसके और ए हमारा बराबर हो जा रहा है इसके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारी एंगल एंगल सिमिलैरिटी है, क्योंकि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है इसके एंगल के बराबर है, तो यहाँ पे हमारी एंगल एंगल सिमिलैरिटी है। और लिखिए एंगल एंगल सिमिलैरिटी की कसौटी, समरूपता की कसौटी कसौटी को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, जो हमारा त्रिभुज ए बी है, देखिए त्रिभुज ए बी ई वो समरूप किसके हो जाएगा, सी एफ बी के। लिखिए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। तो स्टूडेंट्स हमें यही प्रूव करना था, और ए हमारा देखिए प्रूव हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।